मप्र के समस्त कर्मचारियों के लिए 25 लाख रुपए का बिना ब्याज का होम लोन, मासिक किस्त पर कर्मचारी संघ की मांग। जबलपुर, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी आवास निर्माण के लिए बिना ब्याज के 25 लाख रुपए का लोन दिए जाने पर जोर दिया है, जिसकी वसूली मासिक वेतनों से की जाए। आज निजी आवास न होने के कारण किराए के मकानों में अधिकारियों और कर्मचारियों को रहने मजबूर होना पड़ रहा है। सरकारी आवास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जो है वह भी 100 वर्ष पुराने हैं। सरकारी आवासों की मरम्मत भी सालों नहीं होती है। अनेक विभागों के आवास अपनी निर्धारित अवधि भी पूरी कर चुके हैं। यह डिसमेंटल की राह देख रहे हैं। किसी भी समय जर्जर यह आवास रहवासियों के ऊपर गिर सकते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी है। सरकारी कर्मचारी होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी इन्हें नहीं दिया जा रहा है, जबकि कुछ अल्पाय कर्मी तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के साथ ही मजदूरी करने वाले, वाहन चालक, चौकीदार, माली, पंप अटेंडेंट, वॉल ऑपरेटर, स्वीपर, भृत्य को बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है। आर्थिक स्थिति खराब है। जर्जर आवासों में बुजुर्ग माता पिता साथ रहते हैं। सरकारी नजूल की जमीन भी इन कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है। आवास के पट्टे भी देने में भारी आनाकानी की जाती है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेंद्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, मप्र राज्य कर्मचारी संघ के नरेश शुक्ला, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस विश्वदीप पटेरिया अजाक्स, योगेश चौधरी आईटीआई तक, कर्म संघ प्रशांत सोधिया, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संतोष मिश्रा, मा प्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ आलोक अग्निहोत्री, मप्र स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संजय गुजराल, मध्य प्रदेश लिपिक कर्मचारी संघ मुकेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ रविदहायत अजय दुबे, मप्र डिप्लोमा आई एसोसिएशन देव दोनेरिया, सिपाक्स प्रदीप, मप्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ एस के बांदिल, मध्य प्रदेश समयपाल महासंघ मुकेश मरकाम, मध्य प्रदेश वाहन चालक तकनीकी संघ धीरेन्द्र सिंह, सिहोरा तहसील अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा, यूएस करोसिया नरेंद्र दुबे, सतीश उपाध्याय, नेत्राम झारिया, दालचंद पासी, अर्जुन सोमवंशी, संतोष दुबे, राजू मस्के ने समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना ब्याज के आवास निर्माण के लिए 25 लाख रुपए कर्ज देने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ भी अल्प आय वाले कर्मचारियों को देने की मांग की है।